हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो आज हम लोग लीड का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, आज का टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक वर्क। क्या है थर्मोडायनेमिक वर्क? हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊष्मागतिकी कार्य। ठीक है, क्या है ऊष्मागतिकी कार्य? तो इसमें हम लोग समझते हैं ऊष्मागतिकी कार्य किसे कहते हैं। तो इसका एक क्लासिकल डेफिनेशन है। क्लासिकल कहने का मतलब इन द सेंस एकदम जो है, जो फिजिसिस्ट ने या साइंटिस्ट ने कह लीजिए जो कंबाइन करके लिखा था, या फिर मतलब पुराने किताबों में जब ये डेफिनेशन बनाया गया तब कैसे लिखा गया। ठीक है, तो इसका क्लासिकल डेफिनेशन ये आपको कहीं नए किताबों में या कहीं भी मतलब ऐसे देखने को नहीं मिलेगा किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ, क्योंकि एक तरह से फिजिसिस्ट का लैंग्वेज है जो हम अभी लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहते ये ऐसे हैं कि वर्क इज डन बाय अ सिस्टम इफ सोल इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग्स। अभी हिंदी में भी बताते हैं, इफ सोल इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग्स could be that of raising of a weight। तो यहां पे क्या लिखा गया है कि work is done by a system, एक सिस्टम के द्वारा कार्य किया हुआ किया माना जाएगा, मतलब इसी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। if sole effect, if यदि उसका सोल, उसका सोल मतलब होता है केवल और केवल प्रभाव ऑन द सराउंडिंग्स, उसका प्रभाव सराउंडिंग पर इस प्रकार पड़ता है, कुड बी दैट ऑफ इस प्रकार पड़ता है, कुड बी दैट ऑफ रेजिंग ऑफ ए वेट, यानी इस प्रकार पड़ता है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कोई वेट रेज हो रहा है। रेज होने का मतलब उठ रहा है। ठीक है, तो कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक वर्क उसे कहते हैं या किसी सिस्टम द्वारा कार्य किया हुआ माना जाएगा यदि सराउंडिंग पर उसका प्रभाव यह होता है कि कोई वेट सराउंडिंग में उठता है। ठीक है, तो सराउंडिंग में अगर कोई वेट उठता है, ठीक है, तो कहा जाएगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने क्या किया, वर्क किया। ठीक है, उसका इफेक्ट अगर ये आए, ठीक है, या फिर इसका एक्चुअली में हम लोग और मतलब सही कर दें तो रेजिंग ऑफ ए वेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है आप देखें अगर तो एटवास जो अगर रेजिंग ऑफ ए वेट देख रहे हैं तो सराउंडिंग में है क्या, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर हमेशा लगा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उसको वेट को नीचे की ओर पुल कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या किया जा रहा है, वेट को उठाया जा रहा है। तो एक्चुअली में है क्या, वो है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, है ना, यानी कोई रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको एक और दूसरे लैंग्वेज में, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि रेजिंग ऑफ ए वेट के जगह पर हम अगर अच्छे से लिखें तो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि कोई रेजिस्टेंस होगा, यानी कि कोई विरोधी बल एक तरह से होगा। ठीक है, जिसके विरुद्ध आप क्या करेंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यानी कि कोई विस्थापन में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब विस्थापन करेंगे, जैसे कहने का मतलब, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन करेंगे।
तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक वर्क। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कोई भी वर्क डन थर्मोडायनेमिक वर्क डन नहीं होता है। ठीक है ना, या आप अगर ध्यान से समझेंगे तो एक्चुअली में अगर रेजिस्टेंस ना हो तो कोई भी वर्क डन एक्चुअली में भी नहीं होता है। ठीक है, केवल थर्मोडायनेमिक वर्क डन की बात नहीं, लेकिन हम उतना डिटेल में भी आपको बताने नहीं जाएंगे, अभी के लिए यही रखिए। तो नोट आपको क्या समझना है, एक सेकंड, नोट, इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, देयर इज नो थर्मोडायनेमिक वर्क डन। इसका अर्थ क्या है कि यदि कोई विरोध नहीं है तो वहां पर कोई थर्मोडायनेमिक वर्क डन यानी ऊष्मागतिकी कार्य नहीं है। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बात करें, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुक्त विस्तार, मुक्त विस्तार प्रक्रम में। तो मुक्त विस्तार प्रक्रम में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में, ये देख लेते हैं और कैसे कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक वर्क डन जीरो होता है। तो बात करते हैं, कोई मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, बंद कंटेनर है और इस ये इंसुलेटेड भी है कहते हैं। इंसुलेटेड का मतलब कोई हीट ट्रांसफर बाहर सिस्टम से सराउंडिंग की ओर नहीं होगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम की ओर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया, यहाँ पे कोई पतली, बहुत पतली झिल्ली है, ठीक है, और इसमें है भरा गैस और इधर आपने वैक्यूम पंप लगा के कर दिया खाली पूरी तरह से, यानी ये हो गया वैक्यूम, वैक्यूम हो गया यानी पूरी तरह से कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके बाहर से कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, मतलब अभी मतलब कोई वैक्यूम नहीं, कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इस झिल्ली को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं, तो क्या होगा, ये गैस इसमें फैलेगा, तो जब फैलेगा तो ऐसे फैलेगा कि देखिए यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल थे नहीं पहले से, तो जब कोई मॉलिक्यूल नहीं थे पहले से, इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। ठीक है, और जब कोई रेजिस्टेंस नहीं हो लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, क्योंकि इस बाउंड्री को देखेंगे आप तो ये बाउंड्री डिस्प्लेस होके कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, लेकिन इसमें वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे कहेंगे कि कोई वर्क डन नहीं है, जीरो है, और एक्चुअली में क्योंकि इंसुलेटेड है तो कोई हीट ट्रांसफर भी नहीं है, और आगे अभी बताएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके अनुसार आप समझ जाएंगे कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसमें, यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, वो भी क्या है, जीरो है। तो मुक्त प्रसार या मुक्त विस्तार जो है प्रोसेस में, जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, उसमें डब्ल्यू क्यू और डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग वर्क डन फॉर ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।
क्योंकि हमने देखा जो जो भी प्रोसेस हम, क्योंकि कोई भी अगर सॉलिड लाइन के द्वारा अगर हम दिखाते हैं प्रोसेस, ठीक है, तो एक्चुअली में वो क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, ये हमने बात कर लिया पीछे, ठीक है। तो इसलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए एक्चुअली में वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, क्या वर्क डन का फार्मूला होता है कह लीजिए। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, वर्क डन फॉर ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, ठीक है, ये जानते हैं। तो बात करते हैं, यहां पे कोई एक वैसे ही है, ठीक है, कोई सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, इसमें जो है आपका इस पर कोई वेट W है, ठीक है, और इसमें कोई गैस है या कुछ भी है, ठीक है, बशर्ते एक सिस्टम है जो फैल सकता है, मतलब एक सब्सटेंस है जो फैल सकता है और उसको हमने सिस्टम माना। अब ये क्या होता है, हल्का सा इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, dx क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये हमारा ये है और यहां पर चला जाता है, जो कि क्या है, ये दूरी जो है वो dx है, क्या है, dx है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, dx है, इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट dx होता है, ठीक। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है एक्चुअली में, क्या यहां पे देखेंगे हम पहले कि कोई रेजिस्टिंग फोर्स है कि नहीं। तो देखिए, क्योंकि ये बाहर की ओर एटमॉस्फेयर की ओर ओपन है, तो इस पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ठीक है, साथ ही साथ इसका W वेट लग रहा है, mg कह लीजिए, या फिर और फिर पिस्टन का भी कोई वेट होगा मान लीजिए, तो उसका भी वेट। तो इसका देखा जाए तो इसमें क्या लग रहा है, इस पर रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, और अंदर से क्या लग रहा है, इस पर अंदर से गैस का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, प्रेशर PA। तो यहां पे देखा जाए रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, यानी विरोधी बल, F रेजिस्टेंस, FRES लिख रहे हैं। तो यहां पे क्या लग रहा है, P0 प्लस mg, इसका मास मान लीजिए m है, W नहीं लिखते, m मास लिखते, ठीक है। तो भार क्या, mg लग रहा है, और ये देखिए फोर्स के टर्म में क्या होगा, P0 इंटू एरिया, कितना एरिया है पिस्टन का, मान लीजिए एरिया A है, ठीक है, और प्लस पिस्टन का कोई मास होगा, MP लिखते हैं, और इंटू एरिया पिस्टन का, तो AP लिख देते हैं, चलिए AP मतलब पिस्टन का एरिया। तो इतना जो है क्या लग रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, इतना ऊपर से फोर्स लग रहा है ना, उसके अगेंस्ट, देखिए उसके विरुद्ध यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, इसमें उसके विरुद्ध ऊपर जा रहा है, dx डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, और फोर्स ड्यू टू गैस, गैस के कारण फोर्स कितना लग रहा है इस पर,
वो है पी इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है, इसको ए से ही लिखते हैं बस सिंपली, ठीक है। ए क्या है, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना। तो देखिए, तो फोर्स फॉर फोर्स है ये, सॉरी, फोर्स ड्यू टू गैस, यानी गैस के कारण जो है कितना फोर्स लग रहा है, तो पी इंटू ए के बराबर लग रहा है। अब देखिए, अब अगर ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस न होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में ही हर इंस्टेंट पर जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, जो अंदर से जो बल लग रहा है और जो बाहर से बल लग रहा है वो दोनों बराबर है। अदरवाइज इस पर अगर नेट ड्राइविंग फोर्स लग जाए, बराबर न हो, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि नहीं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम रह ही नहीं जाएगा, तो कहां से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहता है कि हर इंस्टेंट पर सिस्टम क्या होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अर्थात हम कहेंगे कब, अब जानते हैं यहां पे हम लोग, ये तो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, चलिए इससे देखते हैं। अब यहां पे बात करें वर्क डन, क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, यहां पे W इज इक्वल टू होगा एक्चुअली में F रेजिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, हमने यही बताया रेजिस्टिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क डन, ठीक है। तो अब यहां पे हम बात करेंगे, तो कहेंगे फॉर ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस आपका क्वासी स्टैटिक है, तब जो रेजिस्टेंस फोर्स है एफ रेजिस्टेंस टोटल जो इतना ज्यादा है, वो बराबर होगा इंटरनल फोर्स के, फोर्स ड्यू टू गैस के, यानी कि पी इंटू ए के बराबर होगा। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में ही ऐसा होता है। अगर कोई रियल प्रोसेस हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो एफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया पी इंटू ए के बराबर, यानी हम वर्क डन के जगह पर डब्ल्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी इंटू ए और डी एक्स, ठीक है। अब बताइए ए डी एक्स क्या है, ए डी एक्स एक्चुअली में क्या है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया और डी एक्स क्या है, ये डिस्टेंस। तो ये क्या दिखा रहा है कि कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है, ठीक है ना, ये कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या है, डीवी के बराबर है, पी डी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। तो ये होता है वर्क डन फॉर ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का फार्मूला। इसको कई नाम से और जानते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पीडीवी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्क के नाम से भी जानते हैं, और एक्चुअली में है क्या, वर्क डन फॉर ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और एक और नाम से जानते हैं पीडीवी वर्क, सिंपली बोलते हैं इसको पीडीवी वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क या पीडीवी वर्क। इसी तरह से वर्क जो होते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क कई टाइप के होते हैं, कई तरह के होते हैं, उनके कई फार्मूले, लेकिन यही आपको बस मतलब है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे बेसिकली, खासकर मैकेनिकल वाले जो होंगे, या फिर आप लोग पहले भी पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स इंटरमीडिएट में, या फिर आप इसमें ही पढ़े होंगे डिप्लोमा में ही तो पढ़े होंगे यहाँ पे पीडी। तो आप यहाँ समझते हैं हमेशा कि पी क्या है, कांस्टेंट है। ये कहीं नहीं, हमने कहीं भी नहीं कहा है कि ये पी कांस्टेंट है फॉर ए प्रोसेस, मतलब किसी प्रोसेस के लिए हमने कहीं नहीं कहा है कि बी जो है, पी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये गलत कहा जाता है अगर कोई कह दे यहाँ पे पी कांस्टेंट है, ठीक है। इस पीडीवी में पी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा है इन जनरल, और उसका जो है अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो भी, तो वर्क डन अगर निकालना हो, वन से टू प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे वर्क डन जो होगा एक्चुअली में ये जो है, ये
हम गलती थोड़ा सा कर दिए, ये dx लिखा है हमने, तो डिफरेंशियल है तो यहाँ भी डेल्टा w होगा, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो ये सब क्या है, डेल्टा w है, ठीक है ना। तो ये डेल्टा w है। अब अगर निकालना हो, एक प्रोसेस कोई हो रहा है जो कि अवस्था एक से अवस्था दो जा रहा है, और वो प्रोसेस क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के लिए वर्क डन w 1 टू 2 जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल 1 टू 2 डेल्टा w, मतलब इसी को करने के बाद ये मिलेगा हमको, और इधर भी करेंगे 1 टू 2 p dv, इस तरह से करेंगे। अब इंटीग्रेशन, अब अगर आप कहते हैं कि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है तब ये p बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, V के टर्म में जो भी प्रोसेस हो रहा होगा, कोई भी तरह, किसी भी तरह का प्रोसेस, आगे हम बताएंगे भी बहुत तरह, कई तरह के प्रोसेसेज होते हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसी तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसी तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होते हैं, तो उसमें क्या होगा, होगा अभी आइडियल गैस इक्वेशन बताएंगे, उसमें कई इक्वेशन आएंगे, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हो गया और कई गैस गैसेज का ला होता है, तो वहां पे आप मतलब इसको चेंज करके P को V के टर्म में यहाँ पे लिख पाएंगे, और जैसे ही आप वहां पे लिख पाएंगे तब आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप समाकलन तभी कर पाते हैं जब ये और ये वेरिएबल दोनों सेम हो, ठीक है ना, सेम वेरिएबल में इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, तो ये क्या है, किसी प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, फार्मूला है वर्क डन का, अगर वो प्रोसेस कैसा है, क्वासी स्टैटिक है, तो मेनली हम जो पढ़ते हैं वो उसमें माना ही जाता है, वो प्री एज्यूम्ड होता है कि जो भी प्रोसेस है क्वासी स्टैटिक है, तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे पी डी बी वर्क का, ठीक है। अब जो है, अगर प्रोसेस क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिसको आइसोबारिक भी कहते हैं, ठीक है, आगे बताएंगे। तो अगर प्रोसेस यही क्वासी स्टैटिक है और फिर से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी है, कांस्टेंट फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो इसके लिए क्या होगा, पी कांस्टेंट होगा, तो उस प्रोसेस के लिए, प्रोसेस मान लीजिए इस अवस्था एक से अवस्था दो के बीच हो रहा है, प्रोसेस के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, तो अगर ये है तो वहां पे हम लिखेंगे P जो है क्या हो जाएगा, उसमें से बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है P, तो जब स्थिरांक है तो बाहर आ जाएगा, तो P इंटीग्रेशन 1 से 2 dV हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V, और ये 1 से 2 है, तो अवस्था 1 में V1 है V, और अवस्था 2 में क्या है, V2 है, तो P क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो याद करिए आप लोग, अगर फार्मूला लगाते भी होंगे पहले, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वर्क डन जब आप लगाते थे किसी प्रोसेस के लिए, तो आप लगा देते थे पी वी टू माइनस वी वन, वो तभी लगा सकते हैं जब प्रोसेस क्या हो, क्वासी स्टैटिक हो, पहला चीज कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, यानी प्रेशर जो प्रोसेस हो रहा है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तभी ये लगेगा डब्ल्यू वन टू टू पी वी टू माइनस वी वन, ठीक है। चलिए अब जो है, इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।